Hello everyone, this is Ajit Kumar and today I am going to start a new chapter of class 6. This chapter is keep your promise, right? Keep your promise, मतलब बच्चों की अपना वादा पूरा करें। कोई भी जो हम लोग किसी किन्हीं से कोई वादा करते हैं, किन्हीं को कोई वचन देते हैं, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है? तो words of wisdom में चलिए हम लोग देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसमें कि प्रॉमिस एंड कमिटमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे बच्चों एक कॉइन में हेड और टेल होते हैं, दोनों तरफ दो ही पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रॉमिस और कमिटमेंट भी जो है एक सिक्के की भांति दो पहलू है। प्रॉमिस यानी कि वचन, हम लोग जो कोई वादा लेते हैं, ठीक है। कमिटमेंट जो हमने कोई चीज़ किन्हीं से कहा कि मैं ऐसा करूँगा, प्रतिबद्धता जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसे ये दो चीज़ें जो है बच्चे हमारे लिए, हम इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है ये दो शब्द, ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप उनके बोली के आधार पे भी जज कर सकते हैं कि कोई कैसे व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा होते हैं कि कुछ बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, बट वो व्यक्ति बाद में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कुछ कहते तो हैं तो उसके साथ साथ उसे पूरा भी करते हैं, राइट। सो ए मैन हु कीप्स हिज वर्ड, हु कीप्स हिज प्रॉमिस, हु फुलफिल्स हिज कमिटमेंट इज ट्रस्टेड एंड ऑनर्ड बाय द सोसाइटी। तो बच्चों एक ऐसे व्यक्ति जो अपने वचन, अपने वादा को पूरा करते हैं, अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय होते हैं, उन्हें समाज में आदर सत्कार की जाती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो इसी पे एक बच्चों इसी टॉपिक पे एक कहानी है, चलिए हम लोग कहानी के थ्रू इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। So once there was a large number of rats in the town of Hamelin in Germany. एक बार की बात है बच्चों, जर्मनी में एक हैमलिन शहर है जहाँ पे एक बार बहुत ज़्यादा संख्याओं में चूहे थे, ठीक है। They were very big rats. They nibbled at clothes and at everything they caught sight of. Sometimes they bite the small babies and therefore the people of Hamelin were sick of them. तो वो जो चूहे थे बहुत ही बड़े थे, ठीक है, वे क्या करते थे, कपड़ों को काट देते थे, ठीक, और उन्हें जो भी चीज़ मिलती थी वो सभी चीज़ों को बर्बाद कर देते थे। कभी कभी क्या करते थे कि वे छोटे बच्चों को भी काट लिया करते थे, जिससे कि क्या होता था कि लोग इससे बीमार पड़ जाते थे, राइट। दे वॉन्टेड टू गेट राइट ऑफ देम एट ऑल कॉस्ट। वे लोग, हैमलिन शहर के लोग, वो सभी चूहों को किसी भी कीमत पे वहाँ से हटाना चाहते थे, राइट। तो क्या किए, सो देखते हैं हम लोग। द मेयर ऑफ हैमलिन कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन इन ऑर्डर टू गेट राइट ऑफ द रैट्स। तो हैमलिन शहर के जो मेयर थे, ठीक है, उन्होंने एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई उन्होंने, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, कुछ बुद्धिमान जिसको हम लोग कहते हैं, और जवाबदेह व्यक्ति, वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों को बुलाया। ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ द रैट्स एंड इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम द पीपल। उन्होंने सभी व्यक्तियों को सारी समस्या का कारण बताया कि कैसे हम लोग चूहों से परेशान हैं, और इस पे आप लोग अपना अपना सलाह दें कि किस तरह से इससे छुटकारा लिया जाए, ठीक है, इससे किस तरह से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ही एक्सप्लेन्ड, ओके, सो सजेशंस वेयर गिवन बाय मेनी पीपल बट पब्लिक डिड नॉट एग्री विथ एनी ऑफ देम। तो बहुत बहुत लोगों ने सलाह दिया, अपना सुझाव दिया, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उन सलाहों से खुश नहीं थे कि ये ऐसा करने से बिल्कुल चूहा भागने वाला है नहीं, ठीक है। सो जस्ट देन अ स्ट्रेंज पर्सन केम देयर।
ही हैड अ लॉन्ग पाइप इन वन ऑफ हिज हैंड। तो उसी समय एक अजनबी आया, एक अजनबी व्यक्ति, जिसे अजनबी का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, राइट। सो जब वो आए तो उनके हाथ में एक लंबा सा पाइप था, ठीक है। ही वॉज इन ए स्ट्रेंज ड्रेस एंड पीपल ऑफ हैमलिन हैड नेवर सीन हिम बिफोर इन द टाउन, राइट। तो उसने पीपल वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जो हैमलिन शहर के जो लोग थे, उस व्यक्ति को कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था। आई बेग योर पार्डन सर, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, सेड द पाइपर। उसने कहा, श्रीमान मुझे क्षमा करें, मैं आपके इन समस्याओं को हल कर सकता हूँ, उस पाइपर ने कहा, ठीक है। सो बट हु आर यू, आस्क द मेयर। तो मेयर ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम अ पाइपर सर। तो उस पाइपर ने कहा कि सर मैं एक पाइपर हूँ, ओके। यानी कि पाइपर मतलब क्या, जो पाइप, किसी पाइप से, जैसे एक बांसुरी होता है ना, तो बांसुरी एक पाइप के समान ही होता है जिससे कोई ध्वनि निकलती है, ठीक है। आई हैव बीन टोल्ड दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बिग रैट्स इन दिस टाउन, ओके। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ इस शहर में बहुत ज़्यादा संख्याओं में चूहे हैं, ठीक है, चूहे हैं। तो ठीक है, तो उसने कहा कि मैं उसे यहाँ से भगा सकता हूँ, ठीक। यस, मेयर से रिप्लाइड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाउ कैन यू हेल्प अस इन दिस मैटर। तो मेयर ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम इस समस्या में, इस मैटर में कैसे हमारी मदद कर सकते हो। ही आस्क्ड, मेयर ने पूछा, ओके, ठीक है। तो उसने कहा, इफ़ यू प्रोमिस टू गिव मी 1,000 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गेट राइट ऑफ योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स, द पाइपर सेड। तो उसने कहा, उस पाइपर ने कहा कि यदि आप मुझसे वादा करते हैं कि आप इस काम के बदले मुझे 1,000 सोने के सिक्के दें, तो मैं इन सभी चूहों को यहाँ आपके शहर से भगा सकता हूँ, ठीक है। सो ऑल राइट, वेल गिव यू इवन 2,000 गोल्ड कॉइन्स इफ यू विल सक्सीड इन डूइंग व्हाट यू से, ठीक है। तो उस मेयर ने कहा कि बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें 2,000 सोने के सिक्के दूंगा यदि तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो। The people approved, okay? The people approved, surely we will give you as many gold coins as you ask for. तो वहाँ जो बैठे लोग थे उस सभा में, उस मीटिंग में, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, तुम जितना सोने का सिक्का चाहते हो मैं उतना तुम्हें दूंगा इसके लिए, ठीक है। I want 1,000 gold coins only and not more than that, said the piper. तब उस पाइपर ने कहा कि मुझे बस 1,000 सोने के सिक्के चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। द पाइपर पुट हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग अ स्ट्रेंज ट्यून। तो उस पाइपर ने क्या किया, अपने मुंह में पाइप लगाया और एक अजीब सा साउंड बजाना शुरू कर दिया। ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट एंड वेंट आउट ऑफ द टाउन। तो उस पाइप को वो बजाते हुए उस शहर के रास्ते से आगे निकल गया। ए लार्ज नंबर ऑफ रैट्स केम आउट ऑफ द हाउसेज एंड फॉलोड द पाइपर। बहुत ज़्यादा संख्याओं में चूहे घरों से बाहर निकल के और उस पाइपर के पीछे चल पड़े, उस उनके पाइप की ध्वनि की आवाज़ सुन करके, उन्होंने जो आवाज़ निकाली, एक ट्यून निकाला उसको सुन करके। The people were surprised to see all that. दो हैमलिन शहर के जितने भी लोग थे वो ये सब देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये है, हुआ कैसे, ठीक है। तो the piper moved towards a nearby river. पाइपर क्या किया कि एक नज़दीक के जो नदी था उधर की ओर चल पड़े। The rats followed him, rolling, dancing, singing, squawking. सुन ही reached the river and entered the water. जल तो चूहे जो है उनके पीछे एकदम कुदकते फुदकते लुढ़कते गाना गाते डांस करते उस पाइपर के पीछे चल पड़े थे।
जल्दी ही वो नदी के किनारे पहुंच गए वो पाइपर, और वो पानी में घुस गए. द रैट्स फॉलोड शूट द पाइपर क्रॉस द रिवर बट द रैट्स कुड नॉट. ठीक है, अब पाइपर ने क्या किया, जब जैसे ही नदी में घुसा तो उनकी ध्वनि की आवाज़ में इतना वो लोग वो सॉरी जितने भी चूहे थे उसके ध्वनि की आवाज़ सुन के इतने मग्न हो गए थे कि उनको किसी भी चीज़ का ये पता नहीं चला कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं. राइट, तो उसने क्या किया, वो भी वो लोग चूहे सब भी क्या किए कि नदी में घुस गए. ठीक है, तो पाइपर तो क्रॉस कर गए, नदी को क्रॉस कर गए, लेकिन चूहे नहीं कर पाए. ऑल ऑफ देम वेयर ड्राउंड, तो जितने भी चूहे थे सभी उसमें डूब गए. द पीपल ऑफ हैमलिन बिकम वेरी हैप्पी, तो उस शहर के लोग ये सब देख करके बहुत खुश हुए. दे डांस्ड विथ जॉय द मेड मैरी ऑल थ्रू द नाइट, ये सब देख करके वे लोग खूब एंजॉय किए, डांस किए, पूरे रात मस्ती किए उन्होंने. नेक्स्ट डे सुन आफ्टर डे ब्रेक द पाइपर वेंट टू द मेयर एंड सेड, श्योर आई हैव गॉट राइड इन योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स एज आई हैड प्रोमिस्ड. ओके, तो अगले सुबह जो है डे ब्रेक में उसने क्या किया कि वो पाइपर मेयर के पास गया और उन्होंने उनसे कहा कि सर श्रीमान, मैंने आपके शहर के सभी चूहों को भगा दिया जैसा कि मैंने वादा किया था. नाउ आई रिक्वेस्ट यू गुड सेल्फ टू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन्स. तो फिर कहा उस पाइपर ने कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे मेरे 1000 सोने के सिक्के दे देते तो अच्छा होता. राइट, मिस्टर पाइपर सेड द मेयर, डोंट यू थिंक 1000 ऑफ गोल्ड कॉइन्स इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. तो उस मेयर ने कहा श्रीमान पाइपर, क्या आपको नहीं लगता है कि इस छोटे से काम के लिए इतने ज्यादा सोने के सिक्के बहुत बड़ा धन हुआ. आई एम अफ्रेड आई कांट गिव यू दैट मच, उसने उस मेयर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना धन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. एट द मोस्ट आई कैन गिव यू 50 क्वाइंस, तो उसने कहा उस मेयर ने कि बहुत से बहुत तो मैं आपको 50 सोने के सिक्के दे सकता हूँ. ओनली 50 क्वाइंस, शाउटेड द पाइपर विथ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वो चिल्लाया कि सिर्फ 50 सिक्के. बट यस्टरडे यू हैड प्रोमिस्ड मी टू पे 1000 गोल्ड क्वाइंस, उसने कहा कि आपने तो मुझसे कल वादा किया था कि आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे. एंड सम ऑफ द पीपल वेयर रेडी टू गिव मी एज मेनी क्वाइंस एज आई आस्क्ड फॉर, और उसमें से ऐसे भी कई व्यक्ति थे जो इस बात से सहमत थे कि मैं जितना सोने का सिक्का मांग रहा हूँ वो मुझे देंगे. नाउ यू वॉन्ट टू गिव मी ओनली 50, अब आप मुझे सिर्फ 50 देना चाहते हैं. ओके, सो आई एम नॉट, उसने कहा आई एम नॉट अ बैगर, आई विल टेक 1000 क्वाइंस और नन, उसने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ. ठीक है, मुझे 1000 सोने के सिक्के चाहिए और कुछ नहीं. आई एम सॉरी आई कांट गिव यू मोर देन 50, सेड द मेयर, तो मेयर ने कहा कि मुझे माफ़ करो, मैं सिर्फ 50 सिक्के दे सकता हूँ. मिस्टर मेयर इफ यू डोंट गिव मी द क्वाइंस यू हैड प्रोमिस्ड यू ऑल रिपेंट अ लॉट द पाइपर गेव वार्निंग. ठीक है, तो उसने कहा, पाइपर ने कहा कि श्रीमान मेयर, यदि आप मुझे मेरे सिक्के नहीं दिए तो आपको इसके बदले भुगतना होगा, नुकसान भुगतना होगा. पाइपर ने वार्निंग दिया, चेतावनी दी. बट द मेयर टुक नो केयर टू व्हाट ही सेड, लेकिन मेयर जो थे वो इस बात का उनको अंदाज़ा नहीं था, वो उनके बात को उतना वैल्यू नहीं किए. द पीपल ऑफ हैमलिन लाफ्ड डाउन एट हिज अपील, तो उस पर जो है वहाँ के लोगों ने जो है इसके बात पे बहुत दुख, पाइपर की बात सुन करके जोर जोर से हंसने लग गए. ठीक है, देन द पाइपर केम आउट एंग्रीली एज इट वॉज टू मच फॉर हिम अ बियर, ही अगेन पुट हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट. पाइपर बहुत गुस्से से बाहर आया. ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से थे उन सभी से
दुखी थे और उसके साथ साथ गुस्से बहुत ज़्यादा थे वो, कि भाई जिसने मुझसे वादा किया वो लोग अपने बात से मुकर गए। ठीक है, तो उसने दोबारा क्या किया, अपने मुंह में पाइप लगाया और उसने उसे फिर से बजाना स्टार्ट कर दिया। दिस टाइम द म्यूज़िक अट्रैक्टेड द चिल्ड्रेन। अब इस बार वो ऐसा धुन बजाए, ऐसा म्यूज़िक बजाए, संगीत बजाए कि उससे जो है सभी बच्चे आकर्षित हो गए। ठीक है, जैसे आप हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कोई भी जो पार्टी या फंक्शन होती है तो थोड़ी सी भी म्यूज़िक बजती है तो सबसे पहले छोटे बच्चे वहाँ पे आके कुदकना फुदकना शुरू कर देते हैं, डांस करने लग जाते हैं। तो म्यूज़िक की आवाज़ सुन करके वो जो है जितने भी बच्चे थे शहर के सभी उनके पीछे आ चल पड़े। ठीक है, दिस टाइम द म्यूज़िक अट्रैक्टेड द चिल्ड्रेन एंड दे बिगेन टू फ्लॉक बिहाइंड हिम, और उसके पीछे डांस करने लग गए। वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द टाउन द पाइपर मार्च टूवर्ड्स अ हाई माउंटेन विच वॉज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। अब वो पाइपर ने क्या किया कि वो उसी शहर के रास्ते से होते हुए उस म्यूजिक को बजाते हुए चल पड़े एक एक ऊँचे पहाड़ की तरफ जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। द चिल्ड्रेन फॉलोड हिम, अब बच्चे जो हैं उनको फॉलो कर रहे थे उस संगीत को सुन सुन के। हाँ, फॉलोड हिम टॉकिंग लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग, वो सभी एक दूसरे से दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेंस वी आर सरप्राइज्ड टू सी दिस, अब जो उनके माता पिता थे ये देख के बहुत ही वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अब ये क्या हो रहा है। द पाइपर सून रिस्ड नियर अ माउंटेन, तब पाइपर जो है ना उस पहाड़ के नज़दीक पहुँचे। एज सुन एज द पाइपर रिस्ड नियर द माउंटेन अ बिग कैब अपीयर्ड इन इट, ही एंटर्ड द कैब द चिल्ड्रेन फॉलोड हिम सुन द पाइपर एंड ऑल द चिल्ड्रेन डिसअपीयर्ड इन टू द कैब। तो उसी पहाड़ के नज़दीक में एक गुफा थी, तो पाइपर क्या किए, संगीत को बजाते हुए उस पाइप को बजाते हुए उस गुफा में घुस गए, तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे गुफा में घुस गए। जस्ट देन हग स्टोन रोल्ड डाउन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कैव, तभी एक जो है बड़ा सा पत्थर लेके उसके गुफा को क्या किए, बंद कर दिए। राइट, द पीपल ऑफ द हैमलिन वी आर वेरी सैड बट दे वी आर अनेबल टू डू एनी थिंग। अब वो जो हैमलिन शहर के जितने भी लोग थे बहुत दुखी हो गए लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। दे नाइदर सॉ देयर चिल्ड्रेन अगेन और डिड दे एवर सी द स्ट्रेंज पाइपर, ना तो वो उन बच्चे को देखे कभी ना ही फिर वो उस पाइपर को देखा। एंड सो द पीपल ऑफ हैमलिन ग्रेटली रिपेंटेड ओवर their folly, but it was too late to mend. They lost their children for gold. Okay? तो अब जो है लोगों को पछतावा होने लग गया कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, वो बहुत पछता रहे थे अपने किए पे। Had they fulfilled their प्रॉमिस दे वुड नॉट हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन, और वो सोच रहे थे कि अगर उस सोने के सिक्के पूरे दे देते उसे तो हम अपने बच्चों को नहीं खो। वादा से पीछे ना हटे, क्योंकि एक वादा, एक शब्द इंसान का जो होता है, एक भाषा, एक बोली जो होती है बहुत ही मायने रखती है। राइट, प्रॉमिस एंड कमिटमेंट आर टू साइड्स ऑफ दिस ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है बच्चों, तो प्रॉमिस और कमिटमेंट जो होता है ना बच्चों, यानी कि वचन और प्रतिबद्धता जो होती है, सिक्के की दो पहलू होती है। इफ वी ऑब्जर्व द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेचर वी सी दैट द सन द मून द क्लाउड्स द ट्रीज द रिवर्स द लेक्स एंड द एयर ऑल आर कमिटेड टू ब्लेस ह्यूमन बींग्स विथ सनशाइन मूनलाइट रेन्स फ्रूट सनशाइन। ठीक है, वेजिटेबल्स शेड ग्रीनरी फ्रेश एयर वाटर एक्सेट्रा। जैसे बच्चों देखिए, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें एक साइंटिफिक सिस्टम नेचर का जो है, एक साइंटिफिक सिस्टम जो है अगर उसको हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है तो ये सभी जितने भी है हमारे पास, हम लोगों के लिए जो है, जैसे कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गई, बादल, धूप, बरसात, वायु, ये सभी
एक हम इंसानों के लिए भगवान के द्वारा कमिटेड है, ठीक है, ये उनके द्वारा हमें दी गई है, राइट। तो बच्चों, जैसे बच्चों देखिए, तो जैसे हम लोग क्या कर, हम लोगों को क्या, तो जैसे सन से क्या होता है, हम लोगों को सनलाइट सनशाइन मिलता है, मून से मून लाइट मिलती है, क्लाउड से रेन, ठीक है, ट्रीज से फ्रूट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, शेड, ग्रीनरी, फ्रेश एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें जो है वो इंसान के लिए कमिटेड है, ठीक है। द होल वर्ल्ड विल कोलैप्स विद इन सेकेंड्स इफ नेचर डज नॉट कीप इट्स वर्ड और कमिटमेंट। तो बच्चों, अगर ये हमारा पूरा नहीं करते हैं तो हम इंसान जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एज अ मैन हु कीप्स हिज वर्ड, हु कीप्स हिज प्रॉमिस, हु फुलफिल्स कमिटमेंट इज ट्रस्टेड रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बाय द सोसाइटी। तो बच्चों, एक व्यक्ति जो अपने शब्दों को, अपने वचन को पूरा करते हैं, ठीक है, अपने वादा को पूरा करते हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र होते हैं, ठीक, आदरणीय होते हैं, और उन्हें सोसाइटी में यानी कि हमारे समाज में या किन्हीं के भी समाज में उन्हें सम्मान दी जाती है, ठीक है। हैव यू हियर्ड अबाउट दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। आपने सुना होगा अयोध्या के एक राजा थे, राजा दशरथ, ठीक है, जो अपने शब्दों के लिए उन्हें जाना जाता है, वो अपने वचनों के लिए उन्हें जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा एक उनके बारे में कहा गया है, वो कहा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनका यही था कि वो अपने वचन को वो हमेशा पूरा करते थे, राइट। तो चिल्ड्रेन, डू यू नो व्हाई डू वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? इज इट नॉट अ फेस्टिवल ऑफ कमिटमेंट दैट रिमाइंड्स अस दैट वी विल स्टैंड बाय आवर सिस्टर्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। क्या आप नहीं सोचते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, अपने बहनों को जो हम लोग कोई भी कमिटमेंट देते हैं, उनसे जो कोई वचन उनको देते हैं, तो us to keep our promise given to our sister। तो बच्चों, रक्षाबंधन जो आती है, ये हमें, ये हर साल इसलिए आती है कि हमें हर साल ये याद दिलाती रहती है कि हमने जो अपने बहनों को जो वचन दिया है, हम उसे पूरा करते रहें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमेशा अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, अपने प्रॉमिस को हमेशा पूरा करने का प्रयास किया करें। सो डियर चिल्ड्रंस, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर वर्ड, ऑलवेज कीप योर वर्ड, ऑलवेज फुलफिल योर कमिटमेंट्स टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड द नेशन। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने जो वर्ड्स आप जो बोलते हैं उसके महत्व को समझने का प्रयास कीजिए, अपने वर्ड को हमेशा पूरा करने का प्रयास कीजिए, जो आप अपने माता पिता से देते हैं, जो उनसे वादा करते हैं, चाहे अपने परिवार से या अपने समाज से या फिर अपने राष्ट्र से। ऑलवेज डू व्हाट यू शेयर, रिमेंबर समटाइम्स इट इज़ ईजी टू मेक अ प्रॉमिस बट वेरी डिफिकल्ट टू कीप द सेम। बच्चों, हमेशा आप वही करें जो आप बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसा तो बोल तो देते हैं लेकिन हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। सो बी केयरफुल वाइल गिविंग वर्ड टू समबडी। तो बच्चों, इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उन्हें कुछ बोल रहे हैं, उन्हें कोई वचन दे रहे हैं, तो बोलने से पहले आप सोच लें कि आप क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, या आप क्या बोलने जा रहे हैं। थिंक आउट वेदर यू हैव द कैपेसिटी एंड विल टू कीप योर वर्ड्स। आप सोचें कि क्या हम ये तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।